स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग को लेकर AISF ने DM कार्यालय को घेरा। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम का नामक व फीस निर्धारित किया जाए। आमीन हमजा। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर DM कार्यालय का घेराव किया गया। संगठन के जिला सह सचिव पिंटू कुमार, उपाध्यक्ष अप्सरा कुमारी एवं ऋषभ कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं का जुलूस गगनभेदी नारे लगाते हुए GD कॉलेज से निकलकर मुख्य बाजार होते हुए DM कार्यालय पहुंचा। DM कार्यालय के अंगरक्षकों ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया, पर आक्रोशित छात्रों ने जुलूस नारेबाजी करते हुए समाहरणालय के उत्तरी द्वार के अंदर पहुंच गए और वहीं प्रदर्शन करने लगे। छात्रों की आक्रोशित भीड़ SDO ऑफिस के समक्ष पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार एवं उपाध्यक्ष केसर रेहान ने की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष आमीन हमजा ने कहा, इस कोरोना काल में अधिकतर निजी अस्पतालों ने मरीज को लूटने का काम किया है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को पंगु बनाकर छोड़ दिया गया है। इस लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की लड़ाई हमारा संगठन लड़ रहा है। उन्होंने कहा, सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाकर निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के मानक व फीस निर्धारित करने की दिशा में बेगूसराय जिलाधिकारी को पहल करना चाहिए। संगठन के जिला सचिव राकेश कुमार एवं जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार ने कहा, कोरोना के तीसरे लहर आने के पूर्व प्रखंड स्तर पर 100 बेड का ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर युक्त अस्पताल को विकसित करने की व्यवस्था सभी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधा बहाल कर वहां मरीजों के इलाज की गारंटी करने आदि सवालों को लेकर आज हम लोग DM कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों पर त्वरित पहल नहीं किए जाने पर 9 अगस्त को पुनः DM कार्यालय को घेरकर उग्र आंदोलन करने पर हम विवश होंगे। AISF का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल DM से भी मिला और अपनी मांगों से जुड़ा एक पत्र सौंपा। DM ने सभी मांगों पर त्वरित पहल करने का भरोसा संगठन के नेताओं को दिलाया है। प्रतिनिधि मंडल में राज्य अध्यक्ष आमीन हमजा, जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार, सह सचिव हसमत बालाजी, विवेक कुमार, अप्सरा कुमारी एवं नीतीश कुमार मोनू थे। इस कार्यक्रम में राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर कुमार, सोनम कुमारी, शमानाज, शाम्बभी, शाव्या, अंजुम, सत्यम भारद्वाज, अनंत कुमार, वसंत कुमार, विपिन कुमार, दुर्गेश नंदन, अविनाश कौशिक, आरजू खान, विपुल कुमार, रितेश कुमार, साकेत कुमार, प्रिंस कुमार, सैफुल इल्जाम, राजीव स्वराज, मोहम्मद गालिब, सन्नी कुमार, अनुभव आरिज अख्तर, रशीद शेख, मोहम्मद फिरोज, नीतीश कुमार अम्बेडकर, मोहम्मद फारूक, रोशन कुमार, नीरज कुमार नन्हे, जैदी जोहेब, सुलेमान चुलबुल, विशाल कृष्ण, रोहित गौरव, अंकित श्याम, राजा जमशेद, निहाल मेरज समेत बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, AISF जिंदाबाद, 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 AISF जिंदाबाद, 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 AISF जिंदाबाद, 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 सलाम करो, सलाम करो, सलाम
सम करो सम करो। साथियों निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा, निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना होगा, लगाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। खून देखो खून देखो। चले चले चले। होगा लगाना होगा, करना होगा है। संघर्ष हमारा नारा है। निजी अस्पतालों के मानक व फीस निर्धारित करना होगा, करना होगा, करना होगा। अस्पतालों के मानक व फीस निर्धारित करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। की बलहाल व्यवस्था पर मंगल पांडे शर्म करो, सम करो, सम करो। बिहार की स्वास्थ्य की बलहाल व्यवस्था पर मंगल पांडे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों आप तमाम लोग से छुपा नहीं है कि बेगूसराय क्या स्थिति में गुजर रहा है। एक कोरोना के नाम पर सत्ता पक्ष के लोग और सरकार के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, लेकिन लगातार हमारा संगठन डीएम साहब को आवेदन देता रहा कि तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दे और सुधार करे, लेकिन आज ये नौबत आ गया कि हम लोग उग्र आंदोलन करने पर बाध्य हो गए हैं। लेकिन साथियों हम सीधा तौर पर डीएम महोदय से मांग करना चाहता हूं कि तमाम सरकारी संस्था को सरकारी हॉस्पिटल को सुविधा दिया जाए। संचालक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं किशोर दास, जब तक हम लोग बात करने के लिए जाएंगे किशोर दास इस सभा को संबोधित करें। इस आंदोलन में उपस्थित प्रकार से AISF के कार्यकर्ताओं के द्वारा और दूसरे कार्यकर्ताओं के द्वारा डीएम कार्यालय का घेरा किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा संगठन लगातार स्वास्थ्य के विषय पर लगातार डीएम महोदय को आवेदन देता रहा, लेकिन डीएम महोदय काम में रुई देकर सो चुके थे। आज हम लोग को लास्ट में उग्र आंदोलन करना पड़ा कि जितने भी सरकारी अस्पताल जिले के अंदर हैं, तमाम जिले सरकारी अस्पताल में जिस तरह से प्राइवेट में तमाम चीज़ का सुविधा मिलता है उस तरह से सुविधा मिलना चाहिए सदर अस्पताल में, लेकिन प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन और डीएम और यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा बहुत बड़ा झोल दिया जा रहा है बेगूसराय के अंदर आम जनता के जनता को। आज मैं सीधा तौर पर डीएम साहब से बात किया और डीएम साहब से मांग किया कि जितने भी मेरा है वो तमाम चीज़ पर आप खड़ा उतरिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम विधानसभा भी घेरने का काम करूँगा। आज जो आंदोलन किया गया वो किस कारण से किया गया? पहले जो हम आंदोलन कर रहे थे उस पर कोई आश्वासन लिया गया या फिर वैसे ही छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल, जो हम लगातार आवेदन दिए थे डीएम महोदय को कुछ नहीं किए। जब आज हम उग्र आंदोलन किए और आवेदन दिए तो वो आश्वासन दिए कि निश्चित तौर पर आपका काम तमाम जितने भी काम है होगा। आज मैं बता देता हूँ कोरोना काल के नाम पर खास करके छात्र के साथ बहुत ही झोल दिया गया है। मैं बता देना चाहता हूँ जब हम टीकाकरण अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो मेरा घर रजौरा अगर हुआ तो मुझे चौराहे जाकर टीकाकरण लिया जाता है, लेकिन बीच में क्या होता है मोटरसाइकिल चेकिंग प्रशासन के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ शोषण किया जा रहा है। मैं सीधा तौर पर प्रशासन से भी मांग करता हूँ जब छात्र छात्राएँ कहीं वैक्सीन लेने के लिए जाए उन्हें तंग तबाह नहीं किया जाए। अच्छा, अभी जो बाजार में देखा जा रहा है कि बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उस पर प्रशासन की क्या नज़र है? बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी दुख की बात है। लगातार हम लोग को पता चल रहा है कि तीसरा लहर भी आने वाला है, लेकिन आम जनता को मास्क लगाकर निकलना चाहिए, लेकिन प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आम जनता मास्क लगाकर चलेंगे। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, प्रशासन जो काम करता है मास्क के नाम पर पहले तो लाठी चलाते हैं और उसे 50 रुपया जो फाइन है बजाते 200 रुपया फाइन काटते हैं। बहुत दुख की बात है, अगर अभी से वो तैयारी शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर में हम लोग कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। आप लोग की जो आंदोलन ये लगातार चलती आ रही है, क्या इससे सरकार आपकी बात मान पाएंगे? निश्चित तौर पर आज आपने देखे कि डीएम ऑफिस में लगभग हम 200 से अधिक छात्र छात्राओं को जुटा कर लाए हैं,
हम आने वाले दिनों में अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती है, आने वाले दिनों में हम पूरे बिहार के छात्र नौजवान को एकजुट करके सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार और प्रशासन की होगी। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF। स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था पर मंगल पांडे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सरकारी डॉक्टरों के निजी लगाना हो।